बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा इफ्तख अलैना हिकमतका वंशुर अलैना रहमतका या अज़ल जलाल वल इकराम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स वी वर डूइंग एक्सरसाइज वन पॉइंट थ्री वी हैव ऑलरेडी सॉल्व थ्री क्वेश्चन नाउ टूडे इन दिस वीडियो वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर इज इफ ए इज इक्वल टू वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड बी इज इक्वल टू माइनस थ्री माइनस टू वन माइनस फाइव फोर दिस टू मैट्रिक्स और के वन ए एंड बी देन फाइन थ्री ए माइनस बी नॉन लेट सॉल्व दिस इज द क्वेश्चन आपको टू मैट्रिक्स दिए गए हैं क्वेस्ट्रिक्स ए एंड बी और आपने क्या करना है थ्री ए माइनस बी फाइन करना है तो आप यहाँ पर लिख लें थ्री ए माइनस बी इज इक्वल टू पहले हमने क्या करना है थ्री लिखना है उसके बाद मैट्रिक्स ए लिखना है अब मैट्रिक्स ए लिखना यहाँ पर क्या है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स माइनस उसके बाद मैट्रिक्स बी माइनस थ्री माइनस टू वन माइनस फाइव फोर एंड थ्री अब ये क्या हमारे पास आ गया अब इसको सॉल्व करेंगे थ्री ए माइनस बी पहले थ्री है तो थ्री को क्या करना है हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो इसमें से हर एलिमेंट के साथ थ्री को मल्टीप्लाई करके लिख देना है तो थ्री वन जार थ्री फिर थ्री टू जार सिक्स आपने उसी मेट उसी एलिमेंट को उसके अपनी प्लेस पे करना है तो ये टू है तो टू को थ्री से मल्टीप्लाई किया तो सिक्स आ गया अब थ्री को थ्री से करेंगे तो थ्री थ्री जार नाइन फोर को थ्री से करेंगे तो ट्वेल्व फाइव तू को थ्री से तो करेंगे तो फिफ्टीन और सिक्स को थ्री से करेंगे तो एटीन तो हमारे पास ये हमने मल्टीप्लीकेशन कर ली इसके बाद नेक्स्ट क्या है सब करनी है क्योंकि दरम्यान में माइनस का साइन है तो इस मैट्रिक्स को इसी तरह लिख लें इसको किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना माइनस फाइव फोर और थ्री अब आपने क्या करना है इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है सब का क्या प्रोसीजर है कि हर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को एक दूसरे से आपने म, यह है सबट्रैक्ट कर देना है अब थ्री और इसका करस्पॉन्डिंग क्या थ्री तो हम यहाँ पर लिख लेंगे थ्री माइनस और ये क्योंकि माइनस है दरम्यान में और ये इसके साथ भी माइनस है तो इसको हम ब्रैकेट में कर लेंगे ताकि दो साइन जब आ जाए इकट्ठे तो दरम्यान ब्रैकेट का साइन लगा देते हैं ताकि उनको डिफ्रेंशिएट किया जा सके अलग किया जा सके कि अब यहाँ पर सिक्स है और ये माइनस टू है कॉरस्पॉन्डिंग तो यहाँ पर भी इसी तरह करेंगे सिक्स माइनस और यहाँ पर माइनस टू आ जाएगा अब यहाँ पे ये नाइन है ये वन है तो ये हम सिंपल नाइन माइनस वन लिख लेंगे यहाँ पे ट्वेल्व है और माइनस फिर माइनस फाइव है तो हम फिर उसी तरह करेंगे ट्वेल्व माइनस यहाँ पे माइनस फाइव ये देखिए फिफ्टीन और फोर तो हम लिखेंगे फिफ्टीन माइनस फोर एटीन और थ्री है तो एटीन माइनस थ्री अब माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो थ्री प्लस थ्री क्या आ जाएगा हमारे पास थ्री थ्री प्लस थ्री सिक्स यहाँ पर भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो सिक्स प्लस टू कितना आ जाएगा एट नाइन में से वन माइनस करें एट ट्वेल्व माइनस माइनस प्लस तो ट्वेल्व प्लस फाइव सेवेंटीन फिफ्टीन में से फोर माइनस करें एलेवन सेवेंटीन है और एटीन में से थ्री माइनस करें फिफ्टीन तो ये हमारे पास रिजल्टिंग मैट्रिक्स आ गया थ्री ए माइनस टू बी इज इक्वल टू ये हमारा आंसर आ जाएगा थ्री ए माइनस बी इज इक्वल टू ए हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर फाइव है ए मैट्रिक्स दिया हुआ है बी दिया हुआ है और आपने रिजल्टिंग फैक्ट जो मैट्रिक्स है वो सी है तो सी फाइंड करना है सच दैट ए प्लस टू बी इज इक्वल टू सी थ्री ए ए माइनस बी इज इक्वल टू आप पहले क्या है थ्री है तो हम यहाँ पर थ्री लिख लेंगे और आगे मैट्रिक्स ए है तो ए लिखें ए के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स और आगे माइनस है माइनस लगा के फिर बी मैट्रिक्स लिखेंगे हम बी मैट्रिक्स क्या है माइनस थ्री माइनस टू वन माइनस फाइव फोर एंड थ्री अब हम पहले थ्री को इस सारे एलिमेंट्स को थ्री के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये थ्री वन ज़ार थ्री 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 ज़ार नाइन थ्री फाइव ज़ार फिफ्टीन थ्री टू जार सिक्स थ्री फोर जार ट्वेल्व थ्री सिक्स जार एटीन माइनस अब दूसरा मैट्रिक्स उसी तरह लिख लें थ्री वन फोर माइनस टू माइनस फाइव थ्री अब बीच में माइनस का साइन है इसके मतलब है इसके एलिमेंट्स को इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से दूसरे मैट्रिक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से हम सब्ट्रैक्ट uh, करेंगे तो क्या होगा जी हर एक एलिमेंट को उसकी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट करते जाए थ्री माइनस थ्री या दरम्यान में माइनस का साइन है तो थ्री माइनस माइनस थ्री तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस हम लिख लेते हैं उसके बाद जब हम माइनस का साइन है जहाँ पे दो माइनस के साइन आ जाए तो हम उसमें ब्रैकेट डाल देते हैं ये थ्री है थ्री माइनस माइनस थ्री है तो इसको ब्रैकेट में लिख लें फिर नाइन माइनस वन फिर फिफ्टीन माइनस फोर यहाँ पर आ जाए तो सिक्स माइनस माइनस टू तो सिक्स माइनस माइनस टू को ब्रैकेट में कर लें फिर फिफ्टी ट्वेल्व माइनस माइनस फाइव ट्वेल्व माइनस माइनस फाइव को ब्रैकेट में लिख लेते हैं फिर एटीन माइनस थ्री एक दफ़ा लिख के चेक कर लें कि सारे कॉरेस्पॉन्डिंग uh, एलिमेंट आपने लिखने हैं ये थ्री और थ्री 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 फिर सिक्स और टू सिक्स टू है फिर नाइन और वन है नाइन वन हमने लिख लिया दोनों एलिमेंट लिख के दरम्यान में माइनस का साइन डाल दें तो फिर ट्वेल्व और माइनस फाइव ट्वेल्व और माइनस फाइव है ये फिफ्टीन और फोर और ये एटीन और थ्री ताकि कोई मिस्टेक ना हो अब थ्री माइनस माइनस प्लस हो जाता है और थ्री प्लस थ्री कितना हो गया नाइन नाइन में से वन माइनस किए एट फिफ्टीन में से वन माइनस करें तो कितने अलेवन यहाँ से ये भी एट हो गया क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो सिक्स प्लस टू कितने हो गए एट यहाँ पे भी माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस तो फिफ्टीन और फाइव ट्वेल्व uh, और फाइव कितने हो गए सेवनटीन एटीन में से थ्री माइनस करें तो फिफ्टीन तो ये हमारे पास क्या आ गया रिजल्टिंग मैट्रिक्स और ये किसके इक्वल है थ्री ए माइनस बी के तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ये मैंने लिख लिया है ए जो है वो ये मैट्रिक्स है बी ये मैट्रिक्स है और हमने सी मैट्रिक्स जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स है उसको सी से हम करेंगे तो सी इक्वल है ए प्लस टू बी इज इक्वल टू सी तो हमारे पास ये आ जाता है यानी सी जो है हमने फाइंड आउट करना है और सी जो है वो किसके इक्वल है ये हम यहाँ पर लिख लेंगे सी किसके इक्वल है ए प्लस टू बी के यहाँ पर देखें ये लिखा ए प्लस टू बी इज इक्वल टू सी हमने सी फाइंड करना है तो सी इक्वल आ जाएगा ए प्लस टू बी के तो सी फिर किसके इक्वल आ गया ए के नीचे ए का मैट्रिक्स लिखें ए प्लस टू बी हमने लिखना है तो यहाँ पर मैट्रिक्स ए लिखें वन टू माइनस थ्री फाइव जीरो टू वन माइनस वन वन ये ए आ गया मैन में प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगाएंगे फिर टू है तो टू लिखेंगे यहाँ पर टू लिख लिया और फिर मैट्रिक्स बी लिख लिया मैट्रिक्स बी क्या है थ्री माइनस वन टू फोर टू फाइव टू थ्री जीरो अब इसको सॉल्व कर लें पहले इसको हमने टू से मल्टीप्लाई करना है इसलिए फर्स्ट स्टेप में हम इसको इसी तरह नीचे लिख लेंगे वन फाइव वन टू ज़ीरो माइनस वन माइनस थ्री टू वन प्लस अब टू को हर एक एलिमेंट से हमने मल्टीप्लाई करके लिखते जाना है अब टू थ्री हज़ार सिक्स टू फोर हजार एट टू टू हज़ार फोर टू माइनस वन तो माइनस टू आ गया टू टू हज़ार फोर टू थ्री हज़ार सिक्स टू टू हजार फोर टू फाइव जर टेन और टू जीरो जर जीरो अब बीच में प्लस का साइन है दोनों को ऐड कर दें हर एक कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को लिखती जाए दरम्यान में प्लस का साइन डालती जाए तो वन का कॉरस्पॉन्डिंग क्या है सिक्स तो हम क्या लिखेंगे वन प्लस सिक्स फाइव का एट है तो फाइव प्लस एट वन का फोर है तो वन प्लस फोर अब बीच वाले एलिमेंट की तरफ आ जाएं सेकंड कॉलम में तो यहाँ पे टू है और ये माइनस टू है तो हम क्या लिखेंगे टू प्लस माइनस टू इकट्ठे दो साइन आ जाएं ब्रैकेट डाल दें बीच में जीरो और फोर तो जीरो प्लस फोर माइनस वन और सिक्स तो माइनस वन प्लस सिक्स यहाँ पे आ जाएंगे माइनस थ्री और फोर तो हम लिखेंगे माइनस थ्री प्लस फोर टू और टेन तो टू प्लस टेन वन और ज़ीरो तो वन प्लस ज़ीरो तो हमारे पास फिर सी में यहाँ पर ये ज़ीरो प्लस फोर था अब हम चलते हैं इन सबको ऐड कर लें सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास सिक्स प्लस वन हमारे पास सेवन आ गया टू प्लस टू जी सोरे टू प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो टू माइनस टू जीरो आ गया फिर हमारे पास फ़ोर माइनस थ्री वन आ गया फिर फाइव प्लस एट थर्टीन जीरो प्लस यहाँ पर ये यह फोर आ गया और ये यह ट्वेल्व यहाँ पर फोर माइनस वन फाइव आ गया सिक्स माइनस वन फाइव आ गया जब माइनस और वन हो दोनों डिजिट्स के साथ तो उसको माइनस किया जाता है और जो आंसर में साइन होता है बड़े डिजिट वाला लगता है अब यहाँ पर बड़े डिजिट के साथ सिक्स के साथ प्लस है तो इसलिए आंसर में प्लस आ गया अगर इसके साथ माइनस होता है इसके साथ प्लस होता है तो फिर आंसर में माइनस आना था फिर भी हम माइनस करते हैं लेकिन आंसर के साथ माइनस का साइन लगता है बड़े डिजिट वाला साइन लगा दे उसके बाद ये वन प्लस जीरो वन आ गया तो ये सी मैट्रिक्स हमारे पास आ गया जो कि हमें रिक्वायर्ड था नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स है हमने दो मैट्रिक्स दिए हमने फाइंड क्या करना है टू ए प्लस थ्री एक्स इज इक्वल टू फाइव बी दिया और इसमें से हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो इक्वेशन में मैथ में जो भी इक्वेशन हो जो चीज़ हमने फाइंड करनी हो उसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे रखते हैं और बाकी चीज़ें जितनी भी हैं टर्म को हम जो है वो कि प्लेस चेंज कर देते तो हैं उसको राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं तो एक्स को हम इसी साइड पर रहने देते हैं इसको हम इधर ले जाएंगे और इसको इक्वेशन में साइड चेंज करने का क्या तरीका होता है कि अगर प्लस हो रही हो तो दूसरी साइड पर जाके टर्म माइनस हो जाती है माइनस हो तो प्लस हो जाती है इसी तरह मल्टीप्लाई हो तो डिवाइड हो जाती है डिवाइड हो तो मल्टीप्लाई हो जाती है अब यहाँ पे थ्री एक्सा टू है इसको हम साइड चेंज करेंगे राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे जो हमारे राइट हैंड साइड पे होती है वो राइट हैंड साइड होती है और लेफ्ट वाली जो है वो लेफ्ट हैंड साइड ये मेरा राइट हैंड है तो ये राइट हैंड साइड है और ये क्या है लेफ्ट हैंड साइड तो हम यहाँ पे थ्री एक्स को इधर रहने देंगे थ्री एक्स हम इधर लिख लेंगे और ये टू ए को उठा के हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे इक्वल के पहले से फाइव बी है इसको हम लिख लेते हैं जब ये टू ए उधर जाएगा तो माइनस टू ए हो जाएगा अब हमारे पास x की जो वैल्यू आ गया अब पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं फिर हम इसमें से x के जो मैट्रिक्स निकाल लेंगे अब पहले है फाइव और b की जगह b का मैट्रिक्स लिख लें क्या है हमारे पास b एट और यहाँ पर ज़ीरो यहाँ पे फोर ये माइनस टू थ्री एंड सिक्स फिर माइनस आगे टू ए फिर टू लिखें और फिर a मैट्रिक्स लिखें a मैट्रिक्स क्या है यहाँ पे टू ये माइनस टू ये फोर ये two, ये फाइव और ये वन अब इसको फाइव से मल्टीप्लाई करें हर एक एलिमेंट को तो क्या आ जाए फाइव एट सर फोर्टी आ जाएगा ये जीरो से जिसको मल्टीप्लाई करते हैं जीरो ही आता है फाइव फोर ट्वेंटी फाइव थ्री सर फिफ्टीन अब यहां पर आ जाए फाइव माइनस टू से माइनस टेन आ जाएगा और फाइव सिक्स आर थर्टी माइनस अब इनके एलिमेंट्स को टू से मल्टीप्लाई करके लिखते जाएं तो टू टू ज़ार फोर टू फोर जार एट टू और माइनस फाइव माइनस टेन आ गए टू और माइनस टू माइनस फोर आगे टू के टू से किया फोर आ गए टू के वन से किया टू आ गया अब दरमियान में माइनस का साइन है इसका मतलब करेंगे औरपॉन्डिंग एलिमेंट को लिखते जाए यहाँ पे फोर्टी है और यहाँ पे फोर है दरम्यान में माइनस डालें फोर्टी माइनस फोर ये जीरो और ये माइनस फोर तो ये क्या आ जाएगा जीरो माइनस माइनस फोर यहाँ पर ट्वेंटी माइनस एट पे फिफ्टीन माइनस माइनस टेन तो माइनस टेन को ब्रैकेट कर दें जब भी याद रखें दो साइन एक जगह आ जाए तो आप एक के साथ ब्रैकेट लगा लें नेक्स्ट वन के साथ अब यहाँ पे माइनस टेन है और यहाँ पे फोर है तो माइनस टेन माइनस फोर अब यहाँ पे थर्टी है यहाँ पे टू है तो थर्टी माइनस टू अब हमारे पास क्या आ जाएगा फोर्टी में से फोर माइनस करें कितने हो गए थर्टी सिक्स ट्वेंटी में से एट माइनस करें ट्वेल्व ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो फिफ्टीन प्लस टेन कितना हो गया ट्वेंटी फाइव यहाँ पे प्लस हो जाएगा जीरो प्लस फोर पूरा आएगा माइनस टेन माइनस फोर माइनस फोर्टीन आ जाएगा माइनस माइनस प्लस होता है और साइन जो है वो बड़े डिजिट वाला लगता है यहाँ पे दोनों के साथ माइनस है तो हम ये माइनस आएगा तो माइनस फोर्टीन आ गया तो थर्टी में से टू माइनस करें तो कितना आ गया ट्वेंटी एट अब ये हमारे पास किसकी वैल्यू थी थ्री की लेकिन हमने फाइंड किसकी करनी है हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो इस थ्री को ख़त्म करने के लिए हम इसको वन बाई थ्री से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वन बाई थ्री को जब हम इक्वेशन में जो भी ऑपरेशन एक साइड पे करते हैं इक्वेशन की दूसरी साइड पे भी फिर वो ये ऑपरेशन करना पड़ता है तो यहाँ पर थ्री को ख़त्म करने के लिए जब हम वन बाई थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरी साइड पे भी हमें वन बाई थ्री से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये इक्वेशन है तो ये बैलेंस जो है वो रहे तो हम क्या करेंगे हम लिखेंगे मल्टीप्लाई वन बाई थ्री ऑन बोथ साइड्स अब बोथ साइड्स पे वन बाई थ्री को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा मैं यहीं पे आपको समझाने के लिए इधर ही लाइन लगा के इसका बच्चे ऐसा करती हूँ ताकि आपको समझ आए तो आपके पास ये है थ्री एक्स है इस साइड पे और इस साइड पे हमारे पास मैट्रिक्स है क्या है थर्टी सिक्स फोर ट्वेल्व माइनस फोर्टीन ट्वेंटी फाइव एंड ट्वेंटी एट अब हम मल्टीप्लाई किससे करना है वन बाई थ्री से इस साइड पे भी वन बाई थ्री और इस साइड पे भी वन बाई थ्री से मल्टीप्लाई करना है तो ये थ्री की थ्री के साथ कैंसिल हो गया तो हमारे पास एक्स की मैट्रिक्स क्या आएगा अब वन बाई थ्री से सबको मल्टीप्लाई करते जाए वन बाई थ्री मल्टीप्लाई बाय थर्टी सिक्स वन बाई थ्री मल्टीप्लाई बाय ट्वेल्व और वन बाई थ्री मल्टीप्लाई बाय ट्वेंटी फाइव यहाँ पर वन बाय थ्री मल्टीप्लाई बाय फोर वन बाई थ्री मल्टीप्लाई बाय माइनस फोर और वन बाई थ्री मल्टीप्लाई बाय ट्वेंटी एट तो x की क्या वैल्यू आ गई क्या मैट्रिक्स आ गया एक्स का यहाँ पर जो कट्टा उसको काटते हैं थ्री वन जार थ्री और थ्री वन जा थ्री थ्री टू ज़ा ट्वेल्व तो यहाँ पर क्या 12. यह three, 12. यहां पर आ गया ट्वेल्व ये थ्री फोर जा ट्वेल्व यहाँ पर फोर आ गया ये नहीं कटता तो ये आ जाएगा ट्वेंटी फाइव बाई थ्री और यहाँ पर क्या आएगा फोर बाय थ्री ये माइनस फोर बाय थ्री और ये ट्वेंटी एट बाय थ्री यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक होगी ये फोर्टीन था माइनस फोर्टीन यहाँ पर माइनस फोर्टीन आता है और ये जो है ये माइनस फोर्टीन बाई थ्री तो ये हमारे पास एक्स का ये रिजल्टिंग मैट्रिक्स है एक्स के ये वाला मैट्रिक्स आता है जो कि हमें रिक्वायर्ड था पूछा गया था हमसे खुश तो रहिए खुशियाँ बांटिए अल्लाह हाफिज